तो है एवरीवन, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस में। शरण कुमार एक बार फिर से दिल खोल के आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आरिशेटी एग्जाम 2023 अक्टूबर में आपकी संभावित परीक्षा, यानी कि अब कमर कस लो, क्योंकि आपके पास में है महज थोड़े दिनों का समय बाकी रहा है। तो मई और अप्रैल बैच वाले तमाम जितने भी स्टूडेंट इस बार आरिशेटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो जाओ एक बार तैयार, क्योंकि संध्या कंप्यूटर ने अपनी ओर से तैयारी स्टार्ट करवा दी है। तो तैयारी 90% से ऊपर वाली हमेशा की तरह आपको आपकी भी तैयारी होगी एग्जाम पर बारी। तो इसी के साथ अपने सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को ऑन करवाने का काम करता है, और आपका कंप्यूटर ऑन होने के बाद में ही आप क्या कर पाओगे, बाकी के जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है इसका मतलब वो मेरे विद्यार्थी कौन सा होगा, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर यूजर कोई ना कोई कार्य करता है। ये जो सफारी आपको जो दिख रहा है, ये मेरे विद्यार्थी आपके वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल होता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता कौन सी है। तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर की जो विशेषता होती है, एक तो कंप्यूटर के अंदर विविधता होती है और शुद्धता होती है, परिश्रमशीलता होती है, कंप्यूटर के अंदर स्पीड होती है। ये सारी की सारी बातें आप सभी को पता रखनी है, उपरोक्त सभी आपके यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर नए क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सभी की स्क्रीन पे दिख रहा है अगला क्वेश्चन कि पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए निशान जो एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपकी OMR मशीन का उपयोग किया जाता है, यानी कि OMR शीट को पढ़ने के लिए आपकी OMR मशीन का उपयोग किया जाता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने के लिए काम में आती है, और जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसका पूरा नाम आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जो कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। OCR अगर पूछे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, BCR पूछे बार कोड रीडर, और MIDI पूछे तो आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। आगे फिर बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को किस में बदलता है, हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। तो मेरे विद्यार्थियों देखो, सॉफ्ट कॉपी ऐसी कॉपी जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो कि कंप्यूटर के अंदर है, और आपकी जो हार्ड कॉपी है इसको आप टच कर सकते हैं। तो ऐसा कब होगा, जब प्रिंट होके कोई भी पेज बाहर आएगा। तो यानी पहले कंप्यूटर में था तब आप उसको टच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि अब कंप्यूटर से वो बाहर आ चुका है पेज, और अब आप उसको क्या है टच कर सकते हैं। तो ऐसी प्रकार की जो कॉपी है उसको विद्यार्थी आप लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट टू हार्ड बोलेंगे, यानी कि आपका जो प्रिंटर है बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से इंक का छिड़काव करता है और जो है पेज पे इमेज का निर्माण करता है। तो ऐसा आपका कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर होता है, जो अपने प्रिंट हेड से क्या करता है, इंक का स्प्रे करता है। अगर लेजर पूछे तो ये मेरे विद्यार्थी ब्लैक सुगे पाउडर का इस्तेमाल करता है, और प्लॉटर पूछे तो सबसे उच्च क्वालिटी के वेक्टर्स या ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। आगे आपसे पूछा है कि डेजी व्हील एक प्रकार है, तो डेजी व्हील मेरे स्टूडेंट आपका किसका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है। यहाँ से बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आपको डॉट मैट्रिक्स पूछे, कौन सा डॉट मैट्रिक्स पूछे, तो भी बातें यही होती हैं कि वो भी किसका एग्जाम्पल होता है इम्पैक्ट। हालांकि दोनों कैरेक्टर का एग्जाम्पल है, लेकिन कैरेक्टर आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपको किसके साथ में जाना है, इम्पैक्ट के साथ में जाना होता है। आगे बात करते हैं कि GUI का पूरा नाम क्या है, और GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन जो आपको ये दिख रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, और इस पे आधारित जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करते हैं, ग्राफिक्स के द्वारा ऑपरेट होते हैं। आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर को शुरू और स्टार्ट करने की प्रोसेस, तो आपकी बूटिंग कहलाती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म बूटिंग। कोल्ड का मतलब पावरलेस कंप्यूटर को शुरू करना,
और अगर आप कंप्यूटर रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपके विद्यार्थी को वार्म बूटिंग कहलाती है। आगे बात करते हैं कि बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो बैकग्राउंड में जो भी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं अगर उसको कोई भी होल्ड कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, सिस्टम ट्रे बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स और एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से विंडो स्टोर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कोर्टाना हालांकि आपका वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम्पल होता है तो इसके बारे में भी क्लियर होनी चाहिए बातें। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा फोल्डर जो है टेम्पररी रूप से डिलीट की गई फाइलों को स्टोर करने का काम करता है। तो रिसाइकल बिन आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं था, यानी कि स्टार्ट बटन किस में नहीं था। तो स्टूडेंट याद रखना है कि विंडोज 8 और 8.1 दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर क्या है कि आपकी स्टार्ट बटन का उपयोग नहीं देखा गया था। आगे बात करते हैं कि विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कब किया जाता है या किसके लिए किया जाता है। तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर लॉन्च करना हो या डिवाइस की सेटिंग करनी हो या फिर सिस्टम को बंद करना हो तो ये तीनों कार्य करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। आगे बात कर देंगे एमएस पावर पॉइंट में जो है डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर पूछता है डुप्लीकेट स्लाइड तो कंट्रोल प्लस डी बोलोगे, और अगर पूछता है नई स्लाइड, क्या पूछता है, नई स्लाइड अगर पूछता है तो फिर आपको कंट्रोल प्लस एम के साथ में जाना होता है और कंट्रोल प्लस एन से आपकी नई फाइल बनती है। आगे बात करते हैं कि एमएस एक्सेल जो है आपका 2003 फिर 2007 और उसके बाद में 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। तो आप सभी को पता रखना है कि केवल तीन में क्या था, XLS था, और बाकी अगर सात की बात करें तो पीछे एक्स और जुड़ जाता है, 10 में भी यही होगा तो इजीली समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं। जो पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप है ये स्टूडेंट पेज के ओरिएंटेशन होते हैं जो आपको पेज की स्थिति बताने का काम करते हैं कि आपका पेज खड़ा रहेगा या आड़ा रहेगा, इन दोनों में से जो है आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का उपयोग किया जाता है। आगे फिर आपसे बोल रहे हैं कि डीएसएल का पूरा नाम क्या है। तो डीएसएल का पूरा नाम स्टूडेंट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुरक्षा सूचना प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से जो ISO मानक होता है वो कौन सा होता है। तो ISO 27001 होता है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है 27001। और IT एक्ट आपका कौन सा है, तो IT एक्ट 2000 है, और कौन से क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए, तो सूचना प्रौद्योगिकी। आगे बात करते हैं कि EPDS का प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है, क्या बोला है, MSP। तो MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपका ऑप्शन ए दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और अगर पूछे कि EPDS का पूरा नाम, तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। आगे फिर बात की है कि यह एक प्रोटोकॉल है, इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है। तो TCP भी होता है, TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और अगर HTTP पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और अगर FTP पूछे तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट होना बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। आगे फिर बात करते हैं कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि आपके पास में डिवाइस है, अब आपको क्या करना है कि इंटरनेट को स्टार्ट करना है। तो एक तो आपको ISP की आवश्यकता होगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपकी कोई भी टेलीकॉम कंपनी होगी जो आपको इंटरनेट की सेवाएं देगी। इसके अलावा बात करते हैं मॉडेम, यानी कि मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर, और एक आपको वेब ब्राउजर की आवश्यकता हो सकती है। ऑल ऑफ द अबव यहां से आपको बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी बाईं तरफ का पूछे बैक स्पेस प्रेस करोगे, और अगर दाईं तरफ का अगर पूछे तो डिलीट, फिर भी अगर याद नहीं रहे तो बैक स्पेस में भी दिख रहा है, बाईं में भी दिखेगा, और दाईं में भी कहीं ना कहीं टोनिंग डी की आ रही है और डिलीट में भी डी की आ रही है, तो ऐसे करके आप कनेक्ट इनको कर सकते हैं। आगे फिर आपसे पूछा है कि पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो स्टूडेंट याद रखना कि पैन जो है आपका NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, इसका पूरा नाम होता है, और पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इसके लिए फॉर्म 49A लगता है। इतनी सी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो आपके कंप्यूटर को या आपके सिस्टम को ऑन करवाने का काम करेगा, और ऐसा ऑप्शन आपके सामने कौन सा दिख रहा है, विंडोज 7, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे बात करते हैं
कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं, तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। आगे फिर बोला है कि एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है, तो आप जो है F5 कुंजी को प्रेस कर सकते हैं और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन चूज करके भी हो सकता है, यानी कि A और B दोनों यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट होना बिल्कुल करेक्ट है। आगे फिर बोलते हैं कि CD और DVD पर जैसे डेटा, संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, तो याद रखना कि वो क्या कहलाएगी, बर्निंग कहलाएगी। अगर CD का पूरा नाम पूछे कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, अगर DVD पूछे तो डिजिटल वीडियो डिस्क के साथ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। आपसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्सेल मैनेजर क्या है, तो एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन ए यहाँ से आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो इंटरनेट से सीधे हो सकता है, विंडोज स्टोर से हो सकता है, CD फाइल इनसे हो सकता है, लिंक्स जो वर्ड की फाइल है यहाँ से नहीं हो सकता, तो इतनी सी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे बोला है कि एक मजबूत पासवर्ड का मतलब क्या है, तो मजबूत पासवर्ड ऐसा होगा जिसमें कम से कम 8 तो वर्ण हो, अक्षर संख्या और वर्षों का संयोजन भी उनके साथ में हो, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं कि HTTPS में S का मतलब क्या होता है, तो S का मतलब जो स्टूडेंट होता है आपका सिक्योर होता है, और HTTP का पूरा नाम हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और S का मतलब सिक्योर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनी होती है, तो आपके वर्कशीट और चार्ट यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई जो है आपका एंड्रॉइड होता है, iOS भी होता है, विंडोज फोन भी होता है, लेकिन लिनक्स जो है एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो हॉटस्पॉट के लिए आपके वाईफाई की आवश्यकता होती है, और वाईफाई का जो पूरा नाम होता है स्टूडेंट आपका वायरलेस फिडेलिटी होता है, इतनी सी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। इसके रेंज 20 मीटर होती है और ये नेटवर्क आपके लोकल एरिया नेटवर्क प्रकार का होता है। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया है और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक जुड़ने के लिए। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।